मल्लिकार्जुन खड़गे ने रूस के चुनाव का हवाला दिया है। जी हां, रूस का जिक्र किया है। जैसे रूस में होता है वैसे ही मोदी यहां करेंगे, भारत में करेंगे। देश में पुतिन वाला सिस्टम लागू करने की जा रही है तैयारी, यह भी कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। सुनिए, ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएंगे। ध्यान में आ रहा है आपको? इसके बाद नो चुनाव। उन्हें अपनी ताकत के ऊपर वो चलाएंगे, चुन के आएंगे, 200 लाएंगे, 300 लाएंगे, 400 लाएंगे, 500 लाएंगे। अगर हमारी सब 543 है तो उसको बढ़ा के फिर 600 भी बना लेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना। खड़गे ने आखिर क्यों दिखाया पुतिन मॉडल का डर, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल रूस में साल 2000 से पुतिन 4 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। संविधान के मुताबिक लगातार सिर्फ 2 कार्यकाल था। 2008 में पुतिन ने करीबी दिमित्री मेदवेदेव को सत्ता दिलाई। 2012 में तीसरी बार पुतिन सत्ता पर काबिज हुए। पुतिन के राष्ट्रपति बने रहने के लिए संविधान बदला गया। पहले संशोधन से 4 साल का कार्यकाल 6 साल तक किया गया। जी हां, और दूसरे संशोधन का भी जिक्र जरूरी है, जिसके जरिए पुतिन के 2 बार और राष्ट्रपति बनने का रास्ता भी खोल दिया गया। 2018 के चुनाव में एलेक्सी नवेलनी प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे थे। एलेक्सी को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाल दिया गया। आरोप है कि पुतिन अपने करीबियों को ही प्रत्याशी बनने देते हैं। मजबूत विरोधी प्रत्याशी को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। रशिया के अंदर चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं, लेकिन सब कुछ व्लादिमीर पुतिन के इशारे पर ही होता है। और उस रूस का, उन पुतिन का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कह रहे हैं भारतवर्ष में भी वैसी ही व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। अनिला सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक झा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जी, पहला सवाल आपसे, ये क्या हताशा में दिया गया बयान है? मतलब क्या नहीं कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने? इस देश में जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तानाशाही आ जाएगी। इस बार आपके पास आखिरी मौका है वोट डालने का, फिर मिलेगा नहीं। ये क्या बताया जा रहा है वोटर्स को एन चुनावों से पहले? समीर जी, आज बापू की जयंती है। बापू की जयंती पे मैं देशवासियों को प्रणाम करते हुए महात्मा गांधी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए इस बात को बताऊंगा कि किस तरीके से इस देश में महात्मा गांधी के हत्यारों को महिमामंडन कर रही है भाजपा सरकार, किस तरीके से हिंदू महासभा के नाथूराम गोडसे ने बापू की हत्या किया और उसको भाजपा आज पूजा करती है, किस तरीके से बलात्कारियों की इस देश में पूजा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से डंडा चलाया तब जाके वो सरेंडर करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आप देखिए ना, इस तरीके देश में हो क्या रहा है। देश में इजराइल जाने के लिए 10,000 उत्तर प्रदेश के हरियाणा के युवा सड़क पर लाइन लगाकर खड़े हैं, जहां पर जान जोखिम में डाल के नौकरी के लिए। तो इस देश में यही सब हो रहा है। मोदी जी देश में उत्सव का माहौल बना रहे हैं। तो आप राज्यों में चुनी हुई सरकारों को, पार्टियों को तोड़ देते हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा शिवसेना को उन्होंने तोड़ दिया, एनसीपी को तोड़ दिया। बिहार में आपने देखे रामविलास पासवान, जो इनके सहयोगी थे, उन्हीं की पार्टी को दो पार कर दिया मोदी सरकार। कमी तो आप में भी है ना, कमी तो आप में भी है कि आप में एकजुटता की भारी कमी है दीपक जी, तभी इंडिया अलायंस ऐसे बिखर गया। ये भी तो एक सवाल है, लौटेंगे आपके पास। अब अनिला जी के पास सुनते हैं। अनिला जी, आपने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे को? नहीं नहीं, दीपक जी आपको पूरा मौका मिला है बोलने का, बाकी के गेस्ट भी उनके पास भी जाएंगे, फिर लौटेंगे आपके पास अगले सवाल के साथ। मैं घड़ी देख रहा हूँ, मुश्किल से 20 सेकंड आपने दिया, 20 सेकंड में भी आपने 3 बार। चलिए 10 सेकंड और बोल लीजिए आप, 10 सेकंड और बोल लीजिए आप, जल्दी से 10 सेकंड और। जब आपके सवाल इतने बड़े होते हैं, 5 सवाल आपने दिखा दिए जनता से कि खड़गे जिसे अगर 50 सेकंड में नहीं बोलने देंगे तो मत बुलाया करिए हमको। मैं माफी के साथ कहना चाहता हूँ। नहीं नहीं, आप बोलिए अपनी बात पूरी करिए। बात यह कि खड़गे जी ने बिल्कुल सही स्पष्ट शब्दों में कहा है, मोदी जी इस देश के लिए खतरा है, मोदी जी लोकतंत्र के लिए खतरा है, मोदी जी गरीबों के लिए खतरा है, मोदी जी युवाओं के लिए खतरा है, मोदी जी बेरोजगारों के लिए खतरा है। देश में कर्जा बढ़ता जा रहा है, देश की मोदी जी समस्या को निपटा नहीं पा रहे, देश में हर दिन उत्सव का माहौल फैला के कि मोदी जी देखो अच्छे दिन आ गए, कभी
आप घुमाने ले जाते हैं, कभी छात्रों पे चर्चा करते हैं, कर क्या रहे हैं दीपक जी? वोटर्स को डराया क्यों जा रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है कि आपके पास वोट डालने का ये आखिरी मौका है, इस बार अगर नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ये भड़काना नहीं तो और क्या है? ये सवाल था मेरा, उसका ठीक ठीक जवाब आपने अभी तक नहीं दिया।